स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस का अड्डा एंड आई एम योर टीचर, केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर नीलो। सो मैं आई हूँ आज फिर आपको कार्बन एंड्रेस काउंट का जो बचा हुआ चैप्टर है वो कंप्लीट करने के लिए। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आएगी दैट इज द कंबस्शन। कंबस्शन मीन्स, कंबस्शन का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है दहन, यानी कि बर्निंग, कोई चीज़ बर्न हो रही है। यहाँ पर तो बात कर रहे हैं कार्बन और उसके कंपाउंड की, तो कार्बन किसी भी फॉर्म पे हो, अपने एलोट्रॉपिक किसी भी फॉर्म पे हो, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के बिना तो कुछ भी बर्न नहीं हो सकता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न होते हैं। और जब बर्न होते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कार्बन है, अपने कार्बन को हमने लिया है सिंपली और ये ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है तो क्या दे रहा है, सिंपल CO2 दे रहा है। सो आपने यहाँ देखा कि कार्बन जब ऑक्सीजन से बर्न हो रहा है तो CO2 दे रहा है, तो सिर्फ CO2 नहीं दे रहा है, आपने महसूस किया होगा जब भी कोई धुआं निकलता है, आग लगती है, तो वहाँ से हीट भी निकलती है और लाइट भी होती है, तो ये साथ में क्या दे रहा है, हीट प्लस लाइट, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कार्बन को इसके दूसरे फॉर्म में लेते हैं, कार्बन का दूसरा फॉर्म जैसे कि मीथेन है, मीथेन गैस लेते हैं, CH4+O2। तो यहाँ सिंपल O2 नहीं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2O2 लगाया जाएगा और जब ये बर्न होगा तो ऑब्वियसली क्या देगा, CO2 प्लस, यहाँ पर देखेंगे आप वाटर भी प्रोड्यूस होगा, सो 2H2O प्लस। अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं, ये 4 हाइड्रोजन थे, ये 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 2 जब 4 ऑक्सीजन था, 2 और 2 4 ऑक्सीजन ये हो गया, तो ये रिएक्शन तो बैलेंस हो गई है। अब साथ में क्या रिलीज आउट होगा, हीट प्लस लाइट, ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कार्बन अपनी किसी भी फॉर्म पे, किसी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म पे जब कंबस्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। ये सब क्या है, दोनों हीट और लाइट एनर्जी का फॉर्म है। साथ में मैं आपको बता दूं, जब हम लोग कार्बन और इट्स कंपाउंड्स पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स को जैसे कि हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो इसमें से मैं बता दूं आपको, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो क्लीन फ्लेम देते हैं। क्लीन फ्लेम से मतलब है उनकी फ्लेम में धुआं नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि स्प्रिट इसका एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखते हैं स्प्रिट को बर्न करने पर उस पर धुआं नहीं निकलता है, लेकिन जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो वो जो बर्न होते हैं तो अपने साथ धुआं देते हैं, यानी कि काले रंग का धुआं देते हैं। जैसे कि हम बात करें मिट्टी का तेल है और कुछ पेट्रोल्स जो इम्प्योरिटी होने की वजह से क्या होते हैं, ब्लैक कलर का धुआं देते हैं, जिसको कहते हैं शूटी फ्लेम, यानी कि धुएँदार उसकी लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर शूटी और नॉन शूटी फ्लेम की भी बात आती है, शूटी फ्लेम यानी कि धुएँदार लॉ और नॉन शूटी फ्लेम मतलब जो धुएँ के बिना लॉ हो, जैसे कि स्प्रिट की होती है और धुएँदार किसकी होती है। बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, लेकिन मैंने किसका बताया था आपको, कार्बन कंटेनिंग और पॉल्यूटेंट और इम्प्योरिटीज कंटेनिंग क्या होता है, मिट्टी का तेल है जिसको कैरोसिन ऑयल कहते हैं, पेट्रोल वगैरह होते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हमारे घर में LPG यूज़ होता है, LPG भी एक हाइड्रोकार्बन है। जब तक ये क्या होता है, क्लीन होता है,
इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं, तो ये ब्लू कलर की लाइट के साथ अच्छे से जलता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा वो बर्तन नीचे से काला करने लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें एक तो इम्प्योरिटीज़ आ जाती है और कार्बन इकट्ठा हो जाता है बर्नल पर, और वो क्या करता है, इनसफिशियंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में शूटी फ्लेम देने लगता है, जिससे बर्तन का निचला हिस्सा काला हो जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम बहुत ही कॉमन है। कोल और पेट्रोलियम को जब बर्न किया जाता है, या यूजुअली ये बर्न होते हैं ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, फैक्ट्रीज़ वगैरह में, तो ये भी क्या करते हैं, बहुत सारा स्मोक देते हैं, बहुत सारा धुआं देते हैं, सूटी फ्लेम देते हैं इनको बर्न करने पे। तो यूजुअली क्या होता है, ये अपने धुएँ के साथ अपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को भी रिलीज़ आउट करते हैं, और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर के साथ मिलकर के नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पोल्यूटेंट्स होते हैं। नाउ द सेकेंड नंबर, सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ये कम्बशन के साथ हम कह सकते हैं कि जब कार्बन को कम्बशन किया जाता है, या कार्बन कम्बशन की प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं CH3CH2OH, जिसको क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल कहते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, बट किसके प्रेजेंस में हो रही है, अल्कलाइन KMnO4 प्लस, या तो फिर हम इसमें एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं। सो इसको भी हीट करते हैं, हम दोनों तरीके से ये रिएक्शन करा सकते हैं, या तो अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट कराते हैं, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ इसको हीट कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। देखते हैं, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अल्कोहल था, जिसको हम एथिल अल्कोहल कह सकते हैं। ये एथिल अल्कोहल इन एजेंट्स की मदद से, जिन ये क्या है, अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या कर रहे हैं, इस अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इनका क्या रोल हुआ, ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहे हैं, यानी कि ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट नंबर आता है एडिशन रिएक्शन, दैट इज द थर्ड, एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन का मतलब आप देख के समझ रहे हैं, यहाँ पर ऐड किया जा रहा है रिएक्शन में, तो ये यहाँ पे किस तरीके की एडिशन रिएक्शन हो रही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के रिगार्ड में, चलिए देखते हैं। सो एडिशन रिएक्शन का यूज़ किया जाता है रिगार्डिंग द सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए पढ़ते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जब डाइहाइड्रोजन को ऐड किया जाता है विद द प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन, तो वो क्या बनाते हैं, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, कैटलिस्ट प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल रहे हैं विद द प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन। सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और इसमें जब डाइहाइड्रोजन यानी H2 को ऐड किया जा रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन, कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया था प्लैटिनम हो सकता है, निकल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, तो ये क्या बनाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। देखिए ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इसके जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर से अनशेयर्ड हो जाएंगे, और वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक और हाइड्रोजन से ऐड हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
बन गया। वेजिटेबल्स ऑयल वगैरह जो होते हैं ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जबकि हम बात करें एनिमल फैट की, जैसे घी वगैरह है, इनका यूज़ कम करना चाहिए बिकॉज दे आर हार्मफुल, दे आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नाउ द फोर्थ वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी कि किसी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम से या ग्रुप से ये क्या होगा, रिप्लेस होगा, यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा और एक नया रिएक्शन के बाद एक नया कंपाउंड बनेगा। तो इसके लिए हाइड्रोकार्बन्स, चूँकि हम पढ़ रहे हैं कार्बन और इस कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, तो चलिए लेते हैं एग्जाम्पल मीथेन का। CH4 इज गोइंग टू रिएक्ट विद द Cl2। सो यहाँ देखिए मीथेन Cl2 से यानी क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, तो जब क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो क्लोरीन क्या करेगा, रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन के एक एटम को और यहाँ पर रिप्लेस करके खुद एडजस्ट होगा। किस तरीके से देखते हैं आगे रिएक्शन में। यहाँ देखिए विद द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कितने बचेंगे यहाँ पर, 3 CH3 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल गया, फिर एक हाइड्रोजन की जगह क्या होगा, एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, देन Cl हो जाएगा। अब क्या बचा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था, एक क्लोरीन इसका बचा, तो क्या हुआ, ये HCl हो गया। नाउ द रिएक्शन इज ऑल्सो बैलेंस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं विद द वन एटम ऑफ क्लोरीन द वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी रिप्लेस एंड वी आर गेटिंग हेयर अ न्यू सब्सटेंस दैट इज द CH3Cl। लेट मी टेल यू कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, तो हम इसको यहाँ पर सनलाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो आगे बढ़ते हैं, आगे हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एथेनॉल के बारे में, तो एथेनॉल का एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। एथेनॉल क्या है, एथिल अल्कोहल भी कहलाता है और ये अल्कोहल एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहलाता है। इसका यूज़ बहुत सारी मेडिसिंस में जहाँ होता है, जैसे कि टिंचर में होता है और कफ सिरप में होता है, बहुत सारे मेडिसिंस में होता है, वहीं इसका यूज़ अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। जितने भी अल्कोहल्स हैं मतलब उन सब में एथिल अल्कोहल एक इंग्रेडिएंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसको प्योर फॉर्म पे लेना जानलेवा हो सकता है और इसका थोड़ा सा अमाउंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रंकननेस लेके आता है और इसीलिए इसके यूज़ को प्रोहिबिटेड किया गया है। तो ये तो था एक एथेनॉल का छोटा सा इंट्रो। अब बात करते हैं इसके रिएक्शंस की तरफ। सो रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ एथेनॉल में आप देखिए, सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एथेनॉल में सोडियम के साथ एथेनॉल की रिएक्शन हो रही है, सो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सो रिएक्शन विथ सोडियम में देखिए, सोडियम मतलब Na, रिएक्शन विथ सोडियम में देख लीजिए एथिल अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH, इसको हम शॉर्ट में C2H5OH भी लिख सकते हैं। इसकी रिएक्शन जब होगी किसके साथ, सोडियम के साथ, तो देखिए इस तरीके से तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 कोफिशिएंसी ले लेंगे और 2 कोफिशिएंसी लेने के बाद जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये H रिप्लेस होगा इस सोडियम से, तो यहाँ पर बचेगा CH3CH2ONA, ये O नेगेटिव और Na पॉजिटिव है यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो H निकला है, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर H2 निकलेगा और यहाँ पे देखिए अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर हमें 2 कोफिशिएंसी लगानी पड़ेगी। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है, ये है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, सो इस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है विद सोडियम। नाउ सी हियर रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब यहाँ पर एथिल अल्कोहल की यानी कि CH3CH2OH की को हीट किया जाता है, कितने टेम्परेचर पर, एट द 443 केल्विन पर हीट किया जाता है विद द कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये क्या होता है, ये डिहाइड्रेट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल इससे निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इथीन में।
सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस एच टू ओ। देखिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है इसका, और यहाँ पर हमें इथीन मिला है। तो यहाँ हमें क्या मिला, इथीन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल गया। दिस इज़ द वन मोर प्रॉपर्टी और द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल। नाउ स्टार्ट करते हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में। सेकेंड नंबर पे आता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और एसिटिक एसिड के प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बिलोंग करते हैं। ये वीक एसिड्स होते हैं, इनका 5-8% सॉल्यूशन अगर वाटर के साथ बनाया जाए तो ये विनेगर बन जाते हैं, जिसका यूज़ सिरका पे किया जाता है, पिकल्स वगैरह बनाने में किया जाता है। इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, इसलिए ये क्या होता है, विंटर्स में अक्सर जम जाता है, ग्लेशियर की तरह जम जाता है, इसलिए उस बेस पर इसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड या ग्लेशियर एसिड भी कहा जाता है। ये जैसे कि मैं बता चुकी हूँ वीक एसिड्स होते हैं, तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन नहीं देते हैं। नाउ अब बात करते हैं इसकी रिएक्शंस के लिए। तो रिएक्शंस में सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड सो इसमें सबसे पहले बात, द वेरी फर्स्ट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इथेनोइक एसिड जो है वो एथेनल के साथ रिएक्ट करके एस्टर्स को बनाते हैं, और उसके लिए उन्हें एक सुटेबल कैटलिस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो इथेनोइक एसिड को सबसे पहले लिखते हैं, दैट इज़ CH3COOH रिएक्ट्स विथ एथेनॉल। एथेनॉल मतलब CH3CH2OH रिएक्ट करते हैं विद द सुटेबल कैटलिस्ट। ये एक एसिडिक कैटलिस्ट हो सकता है, और ये बनाएगा एस्टर CH3C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ से, और ऐड हो रहा है CH2CH3 प्लस, ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द एस्टर। ओके, सो यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये एस्टर क्या है, एस्टर स्वीट स्मेल रखने वाले कंपाउंड्स होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, इनका यूज़ सोप्स परफ्यूम्स बनाने में किया जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि एथेनोइक एसिड और एथेनॉल मिल करके सुटेबल एसिडिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एस्टर बना रहे हैं, वैसे ही एस्टर वापस से एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करके एथेनॉल यानी कि कोई भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड वापस दे सकता है। इसका यूज़ सोप के प्रिपरेशन में किया जाता है। सो इसकी जो रिएक्शन मैंने अभी बताई है आपको, उसको मैं करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले एस्टर लेते हैं, CH3COC2H5 इज इट, दिस इज़ द एस्टर। और ये मैंने बताया एसिड या बेस से रिएक्ट करके, यानी कि हमने यहाँ बेस ले लेते हैं, दैट इज NaOH। NaOH से रिएक्ट करके ये वापस क्या बनाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल यानी कि आप देख लीजिए C2H5OH प्लस C2H5OH प्लस CH3COOH। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो इस तरीके से ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन हो जाती है, और इससे सोप को बनाने में किया जाता है, मैन्युफैक्चर करने में यूज़ किया जाता है। इसकी सेकंड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रिएक्शन विथ आ बेस। सो रिएक्शन विथ अ बेस
तो इथेनॉइक एसिड लेते हैं सबसे पहले, यानी कि CH3COOH प्लस बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NaOH लिया, इसके साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। यानी कि देख लीजिए CH3COOH एक सॉल्ट दिया है प्लस वाटर, इसके बेस से रिएक्शन करके हमें यहाँ सॉल्ट मिला है। सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसिटेट कहते हैं। नाउ इसकी थर्ड रिएक्शन देखते हैं, थर्ड नंबर की रिएक्शन है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, तो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करके ये क्या दे रहा है देखते हैं। सबसे पहले हम कार्बोनेट्स लेते हैं, सबसे पहले सोडियम एथेनॉइड की रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ कराते हैं, तो CH3COOH यानी कि सोडियम एथेनॉइड, इसके 2 मोल लेते हैं प्लस सोडियम कार्बोनेट्स के साथ कराते हैं Na2CO3, देन आफ्टर रिएक्शन ये क्या देगा, सॉल्ट देगा, दैट इज सोडियम एथेनॉइड 2CH3COOH। ओके, देन ये इतना और इतना हो गया है, देन आफ्टर इट विल गिव CO2, देन CO2 एक ऑक्सीजन बचा है और यहाँ ये हाइड्रोजन 2 बचे हैं, देन इट विल गिव H2O। तो ये थी कार्बोनेट्स के साथ सोडियम एथेनॉइड, सॉरी कार्बोनेट्स के साथ एथेनॉइक एसिड की रिएक्शन। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो CH3COOH प्लस NaHCO3, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ तब ये क्या देगा। सो इसके साथ भी देख लीजिए ये सॉल्ट दे रहा है सेम, दैट इज़ द CH3COOH, बट यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फ़र्क है, प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन करके क्या दे रहा है। सो यहाँ पे देखिए ये दोनों कंडीशन में सोडियम एथेनोएट यानी कि सोडियम एसिटेट को दे रहा है विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ये तो थी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस रिगार्डिंग द एथेनोइक एसिड और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के अंदर आने वाली। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सो व्हाट आर द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सो सोप एंड डिटर्जेंट्स जो हैं ये एक टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो क्लीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। यूजुअली सोप्स को अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट कहा जाता है और इनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। दे आर द वेरी फर्स्ट सोप एंड द सेकेंड इज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। सो ये 2 कैटेगरीज होती हैं सोप्स की। सो सबसे पहले बात करते हैं सोप्स की। सो व्हाट आर द सोप्स, सोप्स क्या हैं, यूजुअली सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, इज इट। सो आपने देखा यहाँ पर कि सोप्स क्या होते हैं, ये सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स के बने हुए होते हैं जिसमें फैटी एसिड्स की एक लंबी चेन होती है। अब ये कितनी लंबी चेन होती है, ये लगभग लगभग कार्बन 16 से लेकर के कार्बन 18 तक इसमें मौजूद होते हैं। मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाते हैं, या तो 16 होते हैं मिनिमम, या तो फिर 16 से 17, 18 तक हो जाते हैं। तो इतनी लंबी चेन होती है कार्बन की जो फैटी एसिड्स बनाती है, और ये फैटी एसिड्स जुड़े हुए होते हैं सोडियम और पोटेशियम के साथ जो कि सोप्स को बनाते हैं। अब इसके एग्जांपल लेते हैं, तो इसके मेन 3 एग्जांपल्स आते हैं, दे आर द C15H31COOH
एच, इसको क्या कहते हैं, इसमें देखिए कार्बन की जो चेन है इसमें 15 नंबर ऑफ कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 16 कार्बन हो गए हैं। सो इसका नेम क्या है, इसको पैल्मिटिक एसिड कहते हैं। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल वी विल टेक, दैट इज C17H35COOH। तो इसमें भी देखिए कार्बन की अच्छी लंबी चेन है, इसका नेम क्या है, इसको स्टेरिक एसिड कहते हैं, STEARIC स्टेरिक एसिड। नाउ द वेरी लास्ट एंड थर्ड वन, जो थर्ड टाइप का होता है वो क्या होता है, दैट इज C17H33COOH। ठीक है, इसका नेम क्या है, दिस इज कॉल्ड ओलेइक एसिड। ओके, सो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर थ्री टाइप्स के सोप्स हो रहे हैं। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सोप्स, स्ट्रक्चर ऑफ सोप्स, तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप्स में अगर हम देखें तो सोप को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है स्ट्रक्चर बेस पे। तो सबसे पहला आता है हाइड्रोफोबिक का मतलब आप समझ रहे हैं वाटर रिपीलिंग, ये वाटर से दूर भागता है, रिपील करता है। ठीक है, तो ये वाटर रिपीलिंग पार्ट कहलाता है। सो इसमें क्या आता है, इसमें एक लॉन्ग चेन आती है, लॉन्ग चेन आती है जो नॉन पोलर टेल बनाती है, या इसमें नॉन पोलर टेल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर से अट्रैक्ट होता है, वाटर को अटैच करता है अपने साथ। सो वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है, इसमें लॉन्ग चेन नहीं आती है, इसमें क्या है, पोलर हेड आता है। तो ये एक पोलर हेड को बनाता है और ये नॉन पोलर टेल को बनाता है, इसमें लॉन्ग चेन होती है, इसमें लॉन्ग चेन नहीं होती है। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ ये होती है कि ये क्या होता है, ये एक आयनिक पार्ट होता है। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बनाती हूँ फिर बताती हूँ किस तरीके से ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है सोप का, इसमें देखिए कार्बन की 15 नंबर ऑफ कार्बन है और ये कार्बन की एक लंबी चेन है जो कि नॉन पोलर टेल है। पोलर का मतलब इसमें कोई पोल नहीं है, कोई भी प्लस या माइनस चार्ज नहीं है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक वाटर रिपीलिंग कहलाती है, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, वाटर के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करती है। साथ में इससे लगी हुई एक दूसरा पार्ट है इसका, जिसको पोलर हेड कहते हैं, जो आयनिक होता है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिए गए हैं, ये पोलर हेड होता है जो वाटर अटैकिंग होता है, यानी कि वाटर से अट्रैक्ट होता है। ये वाला पार्ट जो है वाटर में जाके डिसॉल्व होता है और ये वाला पार्ट जाकर के सोप में जो स्टेन होता है, ग्रीस होता है, दाग धब्बे होते हैं क्लॉथ्स के, उसके साथ जाकर के रिएक्ट करता है, उससे जाकर के कंबाइन होता है और ये वाटर में खींच के ले आता है उस दाग धब्बे को और कपड़े को क्लीन करता है, दाग धब्बों को क्लीन कर देता है। सो दिस इज़ कॉल्ड वाटर रिपीलिंग हाइड्रोफोबिक पार्ट, दैट इज़ द लॉन्ग चेन एंड दिस इज़ द हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर अटैकिंग पोलर हेड आयनिक पार्ट। ठीक है, सो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ सोप्स। अब आगे देखते हैं, सो सोप्स के स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको बता दूँ डिफरेंट टाइप्स के सोप्स होते हैं, चाहे वो बाथिंग सोप हो, चाहे वो फेस वॉशेस हों, चाहे वो शेविंग सोप्स हों, और चाहे वो डिटर्जेंट्स जो कपड़े धोने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हों, चाहे बर्तन धोने वाले हों, तो ये सब की एक अलग अलग कैटेगरी होती है और ये अलग अलग सोडियम या पोटेशियम के साथ मिलकर के बने हुए होते हैं, उसमें फैटी एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोप्स की, तो टॉपिक चलता है प्रिपरेशन ऑफ सोप्स, और ये फैट्स और जो ऑयल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये दीज आर द एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ठीक है,
तो इनसे बनता है सोप। सो एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और फैटी एसिड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ग्लिसरॉइड्स कहलाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर किस टाइप के सोप्स किस तरीके से बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोप्स की रिएक्शन। जब इसमें फैट्स या ऑयल को रिएक्ट कराया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये क्या देते हैं। सो इसको गर्म करने के बाद हीट करने के बाद इसमें क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स जो कि एक्चुअली क्या होते हैं, सोप्स होते हैं, और क्या बनता है, प्लस ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, और ये क्या है, फैट्स एंड ऑयल्स जो कि एन एस्टर हैं। तो इस तरीके से सोप का प्रिपरेशन किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ सोप और डिटर्जेंट में जो था सिंथेटिक डिटर्जेंट। सो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं, ये बेटर क्वालिटी के क्लीनिंग एजेंट होते हैं कंपैरेटिवली सोप्स के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दे आर द एक्चुअली दे आर द या डिटर्जेंट्स आर सोडियम ऑफ सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ या लॉन्ग चेन सल्फोनेट्स। तो ये सल्फोनेट्स होते हैं। ओके, इसके एग्जांपल में देख लीजिए इसका डिटर्जेंट का फॉर्मूला क्या होता है। द फॉर्मूला इज C12H25 C6H4 SO3 नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव। सो ये देखिए कार्बन की यहाँ लॉन्ग चेन बनेगी और ये क्या है, सल्फोनेट्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डिटर्जेंट का फॉर्मूला बनता है। इसका नेम क्या है, इसका नेम है सोडियम। थोड़ा टिपिकल नेम्स हैं, इनको ध्यान से देखते चलिए। अगर बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की, तो इनके स्ट्रक्चर भी सोप्स की तरह ही होते हैं। ये एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन नॉन पोलर टेल कहलाती है, जो कि क्या है, वाटर, दैट इज़ वाटर रिपेलिंग। ओके, दैट इज़ वाटर रिपेलिंग। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, ये पोलर हेड है, दिस इज़ द पोलर हेड, ये आयनिक है और क्या है, वाटर अटैकिंग है, वाटर से अटैच्ड का होता है, अट्रैक्ट करता है उसको, उससे जॉइंट करता है, उससे कंबाइन करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सिंथेटिक डिटर्जेंट का सोप की तरह ही दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज़ द हाइड्रोफोबिक एंड दिस इज़ द हाइड्रोफिलिक। इज इट, नाउ स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मैं यहाँ ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगी कि वो सोप्स या डिटर्जेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। सो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, स्टार्ट करते हैं हाइड्रोफोबिक से, यानी कि ये क्या है, वाटर रिपीलिंग है। ये वाटर्स में सॉल्युबल नहीं होता है। ये किस में सॉल्युबल होता है, ये ऑयल में, ग्रीस में, जो स्टेन होते हैं कपड़ों में लगते हैं उसमें सॉल्युबल होता है, और दिस इज़ कॉल्ड द नॉन पोलर टेल।
वहीं दूसरा जो हाइड्रोफिलिक है दिस इज द वाटर अट्रैक्टिंग, ए डबल टी आर ए सी टी आई एन जी अट्रैक्टिंग, दिस इज द वाटर अट्रैक्टिंग पोलर हेड, जो क्या होता है ये वाटर में जाके डिसॉल्व होता है और वाटर में डिसॉल्व होता है बट ग्रीस और ऑयल में डिसॉल्व नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस तरीके से ये जो टेल और एक ये पोलर हेड बन रहा है, तो दिस इज़ द नॉन पोलर टेल, ये जा कर के आपका वाटर स्टेन में जा कर के डिसॉल्व हो जाएगा और ये वाला आपका जा कर के वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा पोलर हेड, ठीक है। और इस तरीके से ये क्या करेगा, एक मिसल्स का फॉर्मेशन करेगा। मिसल्स क्या है ये अभी हम आपको बताते हैं। सो सेकंड टॉपिक हमारा क्लीनिंग एक्शन के बाद आता है मिसल्स। तो मिसल्स बना करके ये क्या करता है, क्लीन कर देता है उस स्टेन को। सो जिस तरीके से आपने देखा कि ये जो सोप का या डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर है ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, इसका जब बहुत सारा पाउडर हम डालते हैं वाटर में तो ये क्या करता है, झाग बनाता है, मिसल्स। सो मिसल्स क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया था ये पोलर हेड है और ये नॉन पोलर टेल है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, बहुत सारा डिटर्जेंट जब हम वाटर में डालते हैं तो सोप या डिटर्जेंट जो पानी में घोल दिया जाता है और पानी में घोल करके वहाँ पर हम स्टेन वाला क्लॉथ भी डालते हैं, तो सोप क्या करता है इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है कंबाइंड होकर के, जो क्या कहलाता है, मिसेल कहलाता है। और ये जा कर के जो रहा है स्टेन है, तो ये क्या करता है, ये पोलर हेड जो है इस तरीके से स्टेन पर जा कर के जो नॉन पोलर टेल है वो जा कर के स्टेन में जाके डिसॉल्व हो रही है और स्टेन पे फोर्सफुली उसको खींच के निकाल लाती है, क्योंकि डिसॉल्व हो जाती है टेल से, नॉन पोलर टेल से, तो उसको खींच के निकाल के ले आती है कपड़े से बाहर, क्लॉथ के बाहर। और ये वाला पोर्शन जो होता है हेड, ये वाटर में घुला हुआ होता है, तो ये स्टेन कहाँ आ जाता है, वाटर में आ जाता है। इस तरीके से जो भी स्टेन है वो रिमूव हो जाता है क्लॉथ से, जो भी डर्ट है वो क्लॉथ से निकल जाती है, दाग धब्बे निकल जाते हैं। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन रही है दैट इज़ कॉल्ड द मिसल्स, ठीक है। अब ये जो स्टेन निकल रहा है या ऑयल या ग्रीस निकल रही है, ये सॉरी सोप के साथ क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, जैसे कि मैंने बताया। तो डिसॉल्व होकर के क्या हो रहा है, सो ये जो ऑयल या ग्रीस निकल के आ रहा है सोप के साथ या डिटर्जेंट के साथ डिसॉल्व होकर के, ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये आ रहा है कोलाइड के फॉर्म में, ठीक है। और ये पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वापस से प्रेसिपिटेट नहीं हो पा रहा है और ये कपड़े में दोबारा से जाके नहीं जम पाता है और क्लीन हो जाता है। दिस इज़ द वेरी शॉर्ट में मैंने बता दिया है क्लीजिंग एक्शन और मिसल्स क्या है, इस तरीके से ये क्लीन कर देता है क्लॉथ्स। इसके स्ट्रक्चर को आप एक बार देख सकते हैं, दिस इज़ द सोडियम पॉजिटिव हेड है आपका, ये आयनिक, ठीक है ना, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिसल्स बहुत पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम में, इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड दिस इज़ द ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, इसे ऑयल ड्रॉपलेट कह सकते हैं। इसको हम इस तरीके से और लिख सकते हैं रिगार्डिंग द हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में। सो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड कौन सा है, जो वाटर में डिसॉल्व है,
वाटर में डिसॉल्व कौन सा है, दिस वन. और हाइड्रोफोबिक एंड कौन है, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं है बल्कि ऑयल और ग्रीस में डिसॉल्व है, दैट इज़ दिस. इज इट ओके? सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ये चैप्टर पसंद आया होगा, और इसको मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. अगर आपको मेरा ये वीडियोस और मेरा ये चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैप्टर को पसंद करने के लिए और आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और प्लीज़ अपना नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर नया वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. बाय बाय.